कन्नौज से आ रही है, जहां कोहरे का पहले दिन कहर दिखा है। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो कार को टक्कर मारी है। कार में सवार 7 छात्राएं घायल हुई हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि छिबरामऊ से कन्नौज डीईडी का पेपर देने छात्र जा रही थी। छिबरामऊ नेशनल हाईवे 91 के सिकंदरपुर में हादसे का शिकार हो गई। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, और वो रॉन्ग साइड तक चल रहा था ट्रक। आप कहाँ जा रही थी? कन्नौज जा रही थी, डीएलएड का एग्जाम देने। कितने लोग थे गाड़ी में? 7 लोग। 7 लोग घायल है? 7 लोगों में से 5 लोग तो हैं, 2 लोग तो लगभग मिट गए। 6 लोग घायल हैं और 1 लोग सही है। लाइट शिवरामो कन्नौज। जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राचार्य महोदय को हुई, उनके द्वारा मुझको अवगत कराया गया कि तत्काल जाएं और सौसैया में बच्चों का हाल चाल है। तब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ तो मैंने देखा यहाँ पर 6 बच्चे जो कि डायल का पेपर देने डीएलएड 21 का पेपर देने जा रहे थे कन्नौज सुशीला देवी इंटर कॉलेज, किंतु रास्ते में सिकंदरपुर के आगे सहजापुर गाँव के पास से पहले उनका ट्रक और बोलेरो से ये लोग थे, उनका सामने सामने एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये लोग चुटेल हुए। उसमें 3 बच्चे तो सौसैया से तिरुवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए, बाकी 3 बच्चे स्वस्थ हैं और जो पेपर देने के लिए भेज दिया गया है। और वहाँ पर अगर आसान समय नहीं पहुँचते भी है तो वहाँ कहलवा दिया गया है कि इनको एंट्री करा ली जाए। निकालो बाहर, ये सब निकालने में ज़्यादा सही रहेगा। एक कमान चोट है, हमारा रहने दो जरा। चोट लगा दी थोड़ा सा।